देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो निशान था वो लगा नहीं है, बारिश नहीं थी और आप साथ और रोड बन गया है यहाँ का, लगे हुए हैं, बोर्डिंग लगी हुई है। क्या है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जुमे का दिन और कल हुई थी थोड़ी सी बारिश ऐसे ही दिल बहलाने के लिए, लेकिन चंद इलाकों में ऐसा पता लगा हमें कि भाई बारिश हुई थी और अच्छी हुई थी, लेकिन जब उस इलाके का रात को विज़िट करा तो भाई ऐसी कोई अच्छी बारिश नहीं थी। और आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कचरा जमा हुआ है। इस वक्त हम सत्यासन चौरंगी से बिल्कुल सरीना के सामने ये सारा कचरा वचरा मौजूद है और आप ये नाला देख सकते हैं, बरसाती नाला है और पूरा भरा हुआ है कचरे से। तो जो ये बात हो रही है कि कचरा और कचरे का ढेर, बारिश, तो अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट है। आज कराची में कुछ डेवलपमेंट हुई है, मैं बात कर रहा हूँ नया नाज़ाबाद की। तो नया नाज़ाबाद की तरफ चलते हैं, आज अपना रुख करते हैं नया नाज़ाबाद की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। क्योंकि सुबह ही मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और कहा कि भाई नया नाज़ाबाद की तरफ चक्कर लगाना, आज नया नाज़ाबाद की तरफ क्या है, तो चल के देखते हैं। गर्मी भाई बहुत है, गर्मी आज भी ज़्यादा है, लेकिन हवा जो है ना थोड़ी बहुत चल रही है, वह इसलिए कि कल बारिश का जो था मौसम और कुछ तो असरात होंगे, लेकिन हल्की बारिश होने के बाद ना गर्मी और भी बढ़ गई है। जो रोड है ना वैसे खुश्क हैं, वो पानी मांग रहे हैं और थोड़ा पानी पीने के बाद प्यास बुझी नहीं है। तो अब हम चढ़ेंगे यहाँ से नया नाज़ाबाद वाले ब्रिज के ऊपर और यहाँ से सफ़र अपना करेंगे। मेरे ख्याल मुख्तसर सी वीडियो होने वाली है और वहाँ से चढ़ेंगे, यहीं से उतर जाएंगे, क्योंकि एक अपडेट है आप लोगों के लिए कि भाई ये चीज़ आज खुल चुकी है, ब्रिज चल रहा है और मस्त चल रहा है, मस्त। यहाँ से तो मुझे मस्ती लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि कार वाला मैं देख रहा हूँ बहुत कटपट दिखाता हुआ निकल गया। डेवलपमेंट अच्छी हो गई है और रोड बन गया है यहाँ का, बस थोड़ा बहुत कलर का काम रह गया कि मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कलर का काम रह गया है। और भैया यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के निशान है, वो भी लग गए, खूबसूरत मंजर लगने लगा है यार यहाँ चढ़ के तो वाकई में। और इधर मैं देख रहा हूँ कि पार्क है, कौन सा पार्क है भैया, ताली फैमिली पार्क। ये पार्क डीएमसी की जानिब से बनाया गया है, जब आप इस ब्रिज पर चढ़ेंगे तो इसके नज़ारे करेंगे और सामने की आबादी दिख रही है और पहाड़ दिख रहे हैं, वाह यार ज़बरदस्त। गर्मी के मौसम में ठंडा नज़ारा और ये बता दिया है कि कितना प्यारा है कराची हमारा। और कुछ मैं देख रहा हूँ कि आगे इंक्रोचमेंट वगैरह भी हुई है, लेकिन वो नीचे की तरफ है। आज हम बात करेंगे अपने ब्रिजेस की और साथ में ही जो रिहाइश पट्टी है उस तरफ रिहाइश हुई है तो उसके लिए शेल्टर लगा दिया है ताकि किसी के घर वगैरह नहीं दिखें, बेपर्दगी ना हो, अच्छा एकदम है। लीजिए
छत में सोलर पैनल लगे हुए हैं, आहिस्ता करें, इशारे मिल रहे हैं कि भाई आहिस्ता करें, पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं, बॉडी लगी हुई है। वाह जी वाह नज़ारे, कितना कराची प्यारा है हमारा, और साथ में बनी हुई पहाड़ियों पे आबादी, क्या ही बात है, क्या ही बात है। टर्निंग की वजह से यहाँ पर निशानात लगाए हुए हैं कि भाई आगे टर्निंग है, क्योंकि इस वाले हिस्से के अंदर थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ लाइटिंग का काम है, क्योंकि ये निशाना, ये जो लगे हुए हैं ना पिलर बने हुए, अभी खंभे लगना बाकी है, खंभे लगना बाकी है मेरे दोस्त। तो अब हम आबादी में उतर गए हैं, सामने ही नया नाजमाबाद की आबादी है, और कुछ कंक्रीट की जो ईंटें हैं और कुछ पाइप्स हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, तभी भी डेवलपमेंट का काम जो है वो जारी है, काम अभी यहाँ पर होगा। और यहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्री है मार्बल की, और अब वापस लेते हैं, दूसरी तरफ से सफ़र करेंगे। आलू फेंकता हुआ चला गया ये, तो चलो इसको बता देते हैं, तुम्हारे आलू गिर रहे हैं, नीचे से देख सकते हैं सामने पहाड़ी पे आबादी हुई हुई है, और रहना आसान नहीं है इस ऐसी आबादी पर। साथ ही मेरे लेफ्ट साइड पर पहाड़ पड़ रहे हैं ना, ये पहाड़ को काट कर आबादी बनाई गई है, आप ही देख सकते हैं ये पहाड़ को काट कर यहाँ पर आबादी बनाई गई है, और इनसे लैंडस्लाइडिंग भी होती होगी मेरे ख्याल, हादसात भी होते होंगे, क्योंकि जो कटी पहाड़ी है ना वहाँ पर बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है, और कटी पहाड़ी की भी हमने वीडियो करी है, कटी पहाड़ी पे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है इसके अंदर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो निशान था वो लगा नहीं है, अभी भी काम होना है, अभी भी काम चल ही रहा है, तो इंशाल्लाह ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एक अच्छा सफ़र करने को इससे मिलेगा, और साथ ही यहाँ से हम आबादी देखेंगे। ये देखिए काम अभी चल रहा है, येलो पोर्शन तो हो गया है, ब्लैक बाकी है, तो जो ब्रिज से आएगा उसका नीचे के इलाके से बिल्कुल ताल्लुक मुनकता हो जाएगा, रात में थोड़ी बहुत सेफ्टी हो जाएगी, सीधा उतरेंगे आप नया नाजाबाद के करीब। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से जंप मार के जा सकते हैं ये घर में, हर छत पे सोलर देख रहा हूँ मैं, हर छत पर सोलर लगा हुआ है, इस वाली रोड से हम चढ़े थे और इस वाले से उतर गए हैं, क्योंकि आज ब्रिज की अपडेट करनी थी,
और बहुत मज़ा आया, अच्छा सफ़र रहा। और इस सफ़र में मेरे साथ दिए मेरे दोस्त ने बीप टॉक टीवी से उतरे हैं कैसर खान। और अब हम मोबाइल मार्केट की तरफ जा रहे हैं, सरीना मोबाइल मार्केट की तरफ। खूबसूरत बैंगलो भी मौजूद है। आज गर्म हवा चल रही है लेकिन वो गर्मी का वो मैार नहीं है, वो तपिश नहीं है जो रोज़ाना थी। तो दोस्तों आज ये छोटी सी अपडेट आप लोगों को देनी थी नए नाज़माबाद ब्रिज के हवाले से। और ज़बरदस्त इस पर मज़ा आया, सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा था। और आज मौसम भी बेहतर था इसलिए मज़ा आ गया, नहीं तो लग पता जाता। तो जब आप यहाँ से गुजरे हैं और मेरी वीडियो देखें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करूँगा, फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, फिर एक नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, साथ बताता चलूँ, मुझे आज बारिश का बड़ा इंतज़ार है, तो फिर बारिश के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।